फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जो कि 3 जनवरी 2024 का करंट अफेयर है। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। पहला ये है, ऑन जनवरी 1 रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुटिन ऑफिशियली लॉन्च्ड रशियास 2024 ब्रिक्स चेयरमैनशिप। ठीक है, तो 2024 का चेयरमैनशिप ब्रिक्स का पुटिन ने लॉन्च किया। The overreaching strategy aims to further BRICS partnership in politics, security, economy, finance and cultural and humanitarian contexts. मतलब ये सब पे काम करने के लिए। President Putin emphasized the motto for the nature, strengthening multilateralism for the equitable global development and security, signifying Russia's commitment to collaboration among the BRICS nations, Brazil, Russia, India, China and South Africa. तो ये तो ध्यान रखिए कि पांचों कंट्रीज़ कौन सा है और ये इनका इस बार का चेयरमैनशिप कौन करे 2024 की, रशिया। अगला है, सीएम योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड द उत्तर प्रदेश फर्स्ट फ्लोटिंग एयर कंडीशन रेस्टोरेंट ड्यूरिंग हिज विजिट टू संगम सिटी, मेकिंग अ ग्राउंड ब्रेकिंग मूव फॉर द स्टेट। पहला ऐसा बना है यूपी में, एक दो जगह पहले से है बट यूपी में ये पहला है। अगला, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ऑफ झारखंड के जो सीएम, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो पेंशन का एज है वो 60 साल से घट के 50 साल तक, जो 50 साल के होंगे उसको भी वो लोग बुजुर्ग मान के उनको भी पेंशन देंगे। हेमंत बिस्व शर्मा जो कि असम के सीएम हैं, उन्होंने गुवाहाटी में 200 इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाई है और उनका कहना है, उन्होंने ये बोला भी इंटरव्यू में कि हम 25 तक कोशिश करेंगे कि गुवाहाटी पहला ऐसा शहर बन जाए जिसमें सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ग्रीन एनर्जी पे चलती हो, इलेक्ट्रिक पे चलती हो। इंडिया सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO लॉन्चेस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम ने लॉन्च किया है, जो बनाया है किसने है, TCS ने। किस लिए, कि जो मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट करते हैं उसके लिए आसानी हो जाए सबके लिए इंपोर्ट करना। अगला है, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे या अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस डे, बेसिकली यही है, को कब मनाया जाता है, 3 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, द न्यूली इलेक्टेड बीजेपी गवर्नमेंट इन राजस्थान इज वर्किंग टू मर्ज स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चिरंजीवी विद सेंट्रल आयुष्मान भारत प्रोग्राम। और ये बहुत ही अच्छा बात है कि पूरे देश के लिए एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी हो जिसमें सबको बराबर फ़ायदा मिले। स्टेट और सेंट्रल के झगड़े में बहुत नुकसान होता है लोगों का। अगला है, इन ए रिसेंट ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू हैदराबाद एंड बेंगलुरु एयरपोर्ट्स इमर्ज द ग्लोबल लीडर्स इन पंक्चुअलिटी एंड सिक्योरिंग द सेकेंड एंड थर्ड रैंक्स। तो इसके परफॉर्मेंस में हैदराबाद और बेंगलोर सेकेंड और थर्ड रैंक आया ग्लोबली। अगला है, किया इंडिया अपॉइंट्स जुआंगू ली एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मेक मार्किंग एन इम्पॉर्टेंट शिफ्ट इन द कंपनीज लीडरशिप। किया इंडिया ने जुआंगू ली को अपना न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है। अगला, निविया इंडिया अ लीडिंग पर्सनल केयर प्रोडक्ट कंपनी अपॉइंट्स गीतिका मेहता एडजस्ट न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो मतलब यही हुआ कि निविया इंडिया ने किसको अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया, गीतिका मेहता को। अगला है, फ्रेंकोइस बेटनकोट मेयर्स पहली ऐसी वुमेन बनी है जिनके पास $100 बिलियन का वेल्थ इकट्ठा हुआ है। ये लॉरियल की वन ऑफ द ओनर है। अगला, जम्मू कश्मीर बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट PM विश्वकर्मा योजना। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है जो कि PM विश्वकर्मा योजना को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, सो ऐसे ही करंट अफेयर आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में भी। सो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।